आपकी बेटी इस वक्त किसी बड़ी मुसीबत में हो सकती है। आपको कैसे पता वो मेरी बेटी है? जाने वाला कांटा रखा हुआ था, कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा है। वो यहाँ क्या चल रहा है? और तुम दोनों कौन हो? तुम मेरे बाथरूम में क्या कर रहे थे? हम तो पुलिस हैं, तुम कौन? ये मेरा घर है। सॉरी डार्लिंग, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था तो सोचा कि तुम्हारा बाथरूम यूज कर लूं। जरा यहाँ आना। आई एम रियली सॉरी, मुझे ये करना पड़ा। मुझे रॉबिन ने भेजा है, इन लोगों से मैं निपटता हूँ। ओके ऑफिसर्स, आपने कौन सा पुलिस स्टेशन बताया था? वो तो इन्होंने बताया ही। सर, हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस घर में सिर्फ मिसेज रॉयली और उनकी बेटी रहती हैं। ओह अच्छा, देखो तुम्हारे रिकॉर्ड्स बिल्कुल ही बकवास हैं। आखिरी बार तुमने कब करो ना आसपास बिल्ली है? ये तुम्हारा घर है और तुम्हें पता नहीं? हाँ ये मेरा घर है, पर आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमारा चेहरा मैच नहीं करता और आपको लगता है कि मैं और ये खूबसूरत औरत एक छत के नीचे खुश नहीं रह सकते। इस बात को आप कैमरे के सामने बोलेंगे? डार्लिंग मेरा फोन कहाँ है? ये लो। ऑलराइट, अभी पता चल जाएगा। तो अब हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है। डार्लिंग, इन दोनों में से किसी ने भी घर में घुसने से पहले तुम्हें वारंट दिखाया था? नहीं, ये तो दिखाया नहीं। ठीक है, और क्या किसी ने भी अपना बैज दिखाया? नहीं, अपना बैज दिखाओ। आपने सुना? अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया मिसेस रॉयली। अब ये बताओ कि तुमको हमारे पास डक्ट टेप है? डक्ट टेप? वो किस लिए? रुक जाओ, कौन हो तुम? मैं हूँ डिटेक्टिव फ्रैंक शेवर, मैं एक पुलिस वाला हूँ। तुम्हारा बैच किधर है? इस वक्त मेरी बॉडी भी कुछ भी नहीं है। वो तो दिख ही रहा है। देखो मिसेस रायली, तुम्हारी बेटी और मैं काम के सिलसिले में एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। वो एक अच्छी साफ दिल की लड़की है, मगर इस वक्त वो अपने रास्ते से भटक गई है और मैं कोशिश कर रहा हूँ उसकी मदद करने की। थैंक यू इस फोन के लिए भी। वो मेरा फोन है।